हेलो फ्रेंड, डिजिटल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर फ्रेंड आप अपना आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या बैंक अकाउंट के साथ लिंक करने जाते हो, तब आपका बैंक अकाउंट के साथ या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होता है। और आप जब यूडीआई की तरफ से आप जब अपना इंक्वायरी करते हो या चेक करते हो अपना आधार कार्ड को, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पॉपअप या नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पर आपका लिखा हुआ आता है आधार नंबर, उसके बाद आपका आधार नंबर लिखा होता है, उसके बाद लिखा हुआ आता हैज़ बीन डीएक्टिवेट अंडर रेगुलेशन 28 ऑफ द अदर। इस तरीके का आपके सामने एक पॉपअप या नोटिफिकेशन शो हो जाता है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जानेंगे इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपका आधार कार्ड में आता है तो किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्या इसका प्रॉपर सोल्यूशन रहेगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप यूडीआई के पोर्टल में जाके यहाँ पर ऑप्शन ढूंढ रहे हो कि यहाँ पर डीएक्टिवेट व एक्टिवेट वाला कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको एक्टिवेट डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर नीचे आपको लॉक अनलॉक वाला ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका आधार कार्ड लॉक है तो यहाँ से आप उसे अनलॉक कर सकते हो। अगर आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो चुका है, वो भी अगर रेगुलेशन एक्ट 28 लिखा हुआ आता है, तो आपको इस वाले पोर्टल से भी कोई सुविधा या आपका फैसिलिटी नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड, फर्स्ट जान लेते हैं आपका आधार कार्ड क्यों डीएक्टिवेट हो जाता है। तो फ्रेंड, ये वाला डीएक्टिवेट होने का फर्स्ट रीज़न होता है जो एनआरआई होता है, जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, बाहर से आया हुआ है, अगर उसका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तब उसका आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। उसे यूडीआई के पोर्टल में यानी यूडीआई के ऑफिस में जाके दोबारा से अपना वीज़ा को अपडेट करवाना है, उसके बाद वो अपना आधार कार्ड को एक्टिवेट कर सकता है। अगर आप इंडियन हो, उसके बाद भी अगर आपके सामने ये डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन लगा हुआ है, तो हो सकता है आप जब नए आधार कार्ड बनवा रहे थे तब इनरोलमेंट जो कर रहा है यानी जो इनरोलमेंट एजेंट होता है उसके द्वारा कुछ गलती के कारण से ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है। सो फ्रेंड, अगर आपका आप इंडियन हो, उसके बाद भी अगर आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो चुका है, तो आपको इसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा समय लगेगा, आपको सिंपली 1947 वाले नंबर पर कॉल करना है और वहाँ से जानकारी ले लेना है। अगर आपको वहाँ से अच्छी तरह से कोई जानकारी नहीं मिलता है या फिर आप कॉल करने में इतना समर्थ नहीं हो, तो आपको लास्ट ऑप्शन यही रहेगा, आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड, जितना भी डॉक्यूमेंट होगा सभी डॉक्यूमेंट को लेके आपको आपके नज़दीकी किसी भी रीजनल ऑफिस में चला जाना है, वहाँ पर जाके आपको अपना आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख सकते हो रेगुलेशन 28 स्टेट्स में लिखा हुआ है ये वाला रीज़न कि आपका अगर एनआरआई होता है तो वीज़ा ख़त्म हो जाने के कारण से ही उसका आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और अगर आप इंडियन हो के भी आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो ये इनरोलमेंट जो आधार सेवा केंद्र का जो एजेंट होता है उसकी गलती के कारण से ही आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट होता है। एंड आपको रीजनल ऑफिस में जाके ही आपका वैलिड डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, वहाँ पर ही आपका ये वाला सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको रीजनल ऑफिस का एड्रेस नहीं मालूम है, तो आप कॉमेंट में अपना एरिया का नाम लिख दीजिए, आपको आपका रीजनल ऑफिस का एड्रेस कॉमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। सो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो की जानकारी जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और इसी तरीके का हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।